वेलकम माई डियर रॉकाइट कैसे हैं आप सभी आज हम लेकर आए हैं एक स्पेशल सर्वाइवल थ्रिलर मूवी सर्वाइवल मूवीज आपने कई देखी होंगी लेकिन इस जैसा नहीं देखा होगा यह हमारा दावा है और मूवी के एंड में आपको भी यही लगेगा ये यूरोपियन यूनियन के एक आइलैंड देश माल्टा में बनी मूवी है मेरे तरह ज्योग्राफी में कमजोर लोगों के लिए बता दूं कि माल्टा भूमध्य सागर में स्थित है अगर आप पूछ रहे हैं कि भूमध्य सागर किधर है तो स्कूल की ज्योग्राफी बुक खोलकर देख लो यार मैं क्लास लेने लगा तो कहानी पता नहीं कहाँ जाएगी तो मूवी का हीरो फिशिंग करने और समुद्र को नजदीक से निहारने के लिए अपने छोटे से बोट पर निकल पड़ता है कुछ दूर उसको एक व्हाइट कलर की लग्जरी बोट दिखती है जो समुद्र के बीच में खड़ी है अपना हीरो उत्सुकता के मारे उस बोट पर चढ़ जाता है और उस पॉइंट पर लेती है मूवी एक खतरनाक मोड़ क्योंकि वो बोट हीरो को समुद्र में गोल 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 घुमाता है और हीरो को हर तरह से टॉर्चर करती है क्या सच में बोट ये सब कुछ कर रही थी या फिर कोई अंदर छुपकर हीरो के साथ कोई खतरनाक गेम खेल रहा था और क्या आखिर में हीरो बोर्ड से बच पाया ये सब जानने के लिए वीडियो कोमेंट तक जरूर देखे और वीडियो को लाइक भी खींचे दोस्तों मूवी की शुरुआत में हीरो को दिखाते हैं जिसे एडवेंचर बहुत ज्यादा पसंद है और वो समुद्र के बीच जाकर फिशिंग करना चाहता है निकल पड़ता है वो अपने एक छोटे बोट पर समुद्र में जाते जाते वो अजीब सी शांति को महसूस करता है और इस बात को वो काफी एंजॉय भी करता है धीरे धीरे वो समुद्र के बीच पहुंचकर वहां अचानक वो चारों ओर कोहरा ही कोहरा देखता है ये सब कुछ देखकर हीरो

है ऊपर से इस बोट में कोई इंसान नजर नहीं आ रहा वो बहुत देर आवाज देता है कि अरे बोट में कोई है क्या लेकिन फिर वो खुद उस बोट को चेक करने का फैसला करता है बोट पर, पर चढ़ने से पहले वो अपना छोटी बोट इस बोट के साथ कसकर बांध देता है ताकि वो बह न जाए वो बोट के अंदर जाता है तो वहाँ पर एक किताब होती है जो ऐसी रखी होती है मानो अभी अभी किसी ने इसको पढ़कर रखा हो हीरो नीचे जाकर देखता है तो वहाँ पर एक शानदार केबिन होता है जहाँ बेड पर चादर भी ऐसी पड़ी हुई है जैसे कोई अभी उठ गया हो हीरो को यकीन हो जाता है की इस बोट में कोई ना कोई तो जरूर है वो बाथरूम में चेक करता है लेकिन वहाँ भी कोई नहीं होता उसकी नज़र फिर एक रेडियो पर पड़ती है और वो कई फ्रीक्वेंसीज को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और बताता है कि समुद्र के बीच एक बोट पानी में घूम रही है इसके अंदर कोई नहीं है और अगर कोई इंफॉर्मेशन हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए लेकिन किसी भी फ्रीक्वेंसी पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने के बाद हीरो वापस जाने के लिए ऊपर आता है तो देखता है कि उसकी छोटी बोट जो उसने व्हाइट बोर्ड से बांध कर रखी थी वो गायब है अब हीरो को घबराहट होने लगती है कि बोट कहाँ गई वो तो बंधी भी थी किसने खोला उसे वो कैबिन में रखा बायनोकुलर लेकर हर तरफ ढूंढता है पर बोट कहीं नजर नहीं आती अब हीरो सोचता है की यार मुझे वैसे डरने की जरूरत क्या है छोटे बोर्ड की बजाय बड़ा बोट जो मिल गया है बस इसका इंजन स्टार्ट हो जाए तो मैं तट पर पहुंचाऊंगा वो इंजन स्टार्ट करता है लेकिन वो चालू नहीं होता हीरो पर ही भी हट जाता है। अब हीरो साफ साफ देख पाता है और लगता है कि ये बोट समुद्र में कहीं खो चुकी है क्योंकि किसी भी दिशा में तट नजर नहीं आता अचानक नीचे किसी की भागने की आवाज को सुनकर हीरो घबराता है क्योंकि कुछ देर पहले उसने बोट को अच्छे से चेक किया था वहाँ पर कोई नहीं था वो धीरे से नीचे जाकर फिर चेक करता है तभी बाथरूम का दरवाजा बंद होता है फिर वो चिल्लाता है कि तुम कौन हो मेरे साथ ये गेम क्यों खेल रहे हो तो चाह बाहर आ जाओ कहते कहते वो जाकर दरवाजा खोलता है लेकिन वहां पर कोई नहीं होता तब हीरो को लगता है कि शायद वो डर रहा है इसलिए उसे अजीब आवाजें सुनाई दे रही है हाँ मुझे अपने दिमाग को थोड़ा शांत करना चाहिए ये सोचकर हीरो ऊपर आता है इंजन नहीं चल रहा लेकिन इस बोर्ड को पाल से भी चलाया जा सकता है हीरो पाल को खोलता है और उसे ठीक दिशा में सेट करता है तब उसे तसली होती है की चलो कोई तो रास्ता निकला अब बोर्ड तेजी से चलने लग जाता है हीरो अब जरा स्माइल करता है कि चलो सब कुछ ठीक जा रहा है लेकिन जब वो रियलाइज करता है कि बोट हवा की दिशा में जाने के बज जाए गोल गोल घूम रही है तो उसके चेहरे की हंसी उठ जाती है हीरो फिर जाकर इंजन को ठीक करने की कोशिश में लग जाता है और किसी तरह उसे ठीक भी कर देता है बस फिर क्या था इंजन चलने लग जाता है और वो फिर से स्माइल करता है अब मैं देखता हूँ ये बोट मुझे रास्ता कैसे भटकाती है इस तरह वो एकदम कॉन्फिडेंटली बैठा होता है पर बहुत देर सेल करने के बाद भी तट नजर नहीं आता हीरो ये ये भी नहीं जानता कि बोर्ड कहाँ जा रही है कम्युनिकेशन डिवाइस भी किसी काम का नहीं होता तंग कर करने ऊपर जाता है लेकिन बोर्ड का पाल उसे पीछे से मारता है और हीरो अपना बैलेंस खोकर समुद्र में गिरने वाला होता है खुशकिस्मती से वो रॉड पकड़ लेता है और पानी में नहीं गिरता उसकी समझ में नहीं आता कि कसकर बना हुआ पाल ऐसे मुड़कर मुझे कैसे मार सकता है बेचारा बड़ी कोशिशों के बाद किसी तरह बोर्ड पर चढ़ पाता है अब उसे पाल भी डर लगने लगता है और सुसु करने वो बाथरूम में जाता है काम खत्म करके वो मुड़ता है तो बाथरूम का दरवाजा लॉक हो जाता है बाथरूम बहुत छोटा होता है और बहुत देर यहाँ पर रहा नहीं जा सकता हीरो को बड़ी टेंशन हो जाती है की करूँ क्या वो दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है पर बात नहीं बनती बाथरूम में एक छोटा सा कबर्ड होता है जिसमें एक कैंची होती है लेकिन कबर्ड में खून के दाग भी होते हैं जिसको देख कर हीरो डर जाता है। शायद उसी तरह कोई और और भी इस बोट में फंसा हुआ था और ये उसी के खून के दाग है फिर भी हिम्मत करके अपना हीरो कैंची से लॉक के स्क्यूज खोल देता है लेकिन फिर भी लॉक खुलने का नाम नहीं लेता हीरो तो अब आवेश में आ जाता है लेकिन उसका बुरा वक्त शायद अभी शुरू हुआ है वो देखता है कि एक कार्गो शिप तेजी से इस बोर्ड की ओर आ रहा है और ये वाइड शिप है कि उसी की दिशा में उसे टक्कर मारने जा रहा है उस शिप के क्रू इस बोर्ड को कांटेक्ट करते हैं कि जल्दी से अपनी बोर्ड की दिशा बदलो वरना हमारा शिप तुम्हारे बोर्ड से टकरा जाएगा तुम्हारा बोर्ड डैमेज हो सकता है हीरो दरवाजा तोड़ने लगता है फिर बाथरूम के एक छोटे गैप से वो एक कपड़े से उस शिप को सिग्नल करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता वो चुपचाप बैठकर सोचता है तो रियलाइज करता है कि उस शिप को कांटेक्ट करना जरूरी नहीं फिलहाल उसे अपनी बोर्ड को उस शिप के रास्ते से हटाना होगा जिसके लिए इस बोर्ड को आगे बढ़ने से कैसे भी करके रोकना है वो हाथ बाहर करके एक रोप निकालता है और ऊपर गांठ बांध धीरे से बोर्ड के प्रोपेलर की ओर भेज देता है ताकि रस्सी में फंस प्रोपेलर रुक जाए और ये बोर्ड उस शिप के रास्ते में न आए उसका आइडिया सफल भी होता है और बोट रुक जाती है तभी कोई बाथरूम का दरवाजा पीटता है हीरो दरवाजे की ओर मुड़ता है जिसकी वजह से वो रस्सी गलती से हीरो के गर्दन को फांस लेती है हीरो सांस भी नहीं ले पाता और किसी भी वक्त मर सकता है तभी वो उस गैप में हाथ डालता है तो एक हुक हाथ लगता है जिसकी मदद से वो उस रस्सी को गले से निकाल कर बाल बाल बच जाता है फिर हीरो एक लंबी सांस लेकर उस होल को देखता है तो वो कार्गो शिप इस बोर्ड के पास से गुजरता है और बोर्ड के एक छोटे से पोर्शन पर घिस कर चला जाता है ओह शुक्र है बड़ा नुकसान नहीं हुआ और हीरो बच गया हीरो बोर्ड की चुनौतियों से बड़ा तंग आ चुका है की करो क्या और उसकी आंख अलग जाती है इसी बीच शायद वो नहीं जानता कि इस बोट में उसके लिए इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक चुनौतियां उसका इंतजार कर रही है तभी हमें दिखाते हैं कि कार्गो शिप के घिसने से बोट थोड़ा डैमेज हो गया है और पानी बोट के अंदर लीक हो रहा है अचानक हीरो की आंख खुलती है तो वो रियलाइज करता है की बिना प्रोपेलर के ये बोट चल रही है क्योंकि बोट का पाल अभी भी खुला हुआ है यानी हवा के बहाव के साथ ये बोट समुद्र में न जाने किस दिशा में तेजी से जा रही है हीरो कैसे भी करके उस हुक की मदद से किसी तरह पाल की रस्सी को खींच लेता है जिसकी जैसे पाल जो कि खुला हुआ था वो अब बंद हो जाता है और बोर्ड रुक जाती है इस छोटे बाथरूम में सिकुड़कर कर बैठना हीरो के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और ऊपर से उसे बहुत प्यास भी लगी होती है बाथरूम के वॉश कन से वो पानी की कुछ बूंदे पी लेता है तभी एक और मुसीबत आ पड़ती है हीरो को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जैसे ऊपर कोई किसी रस्सी को काट रहा है हीरो को शक होता है और वो उस रस्सी को खींचता है जिसे उसने प्रोपेलर में फंसाया था वो रस्सी कटी भी होती है इतना ही नहीं पाल की रस्सी भी कट चुकी है और बोट फिर से दिशाहीन चल रही है ये कैसी मनुष्य बोट है जो मुझे एक के बाद एक करके मुसीबतों में डाल रहा है इस तरह मायूस होकर हीरो से कुट बैठ जाता है और तभी बाहर से पानी अंदर आने लगता है लगता है कार्गो शिप के डैमेज से समुद्र का खारा पानी अब अंदर आ रहा है पर नहीं हीरो प्यास के मारे उस पानी को मुंह में डालता है तो पता चलता है वो खारा पानी नहीं बल्कि पीने का पानी है अब हीरो को गुस्सा आता है क्योंकि इतनी देर से वो प्यासा तड़प रहा था और अब शायद इस बोट में रहने वाला कोई साइको उसे चिढ़ाने के लिए पीने का पानी बाथरूम में बहा रहा है और पर हीरो एक गलती कर बैठता है उसे पहले अपनी प्यास बुझा लेनी चाहिए थी लेकिन पानी को पीने के बजाय वो आक्रोश में चिल्लाता है कि मैं जानता हूँ इस बोट में कोई साइको है जो मेरे साथ ये गंदा गेम खेल रहा है ले लो अपना पानी मुझे नहीं चाहिए अगले ही सेकंड पानी फिर बाहर चला जाता है और हीरो बेचारा प्यासा का प्यासा रह जाता है तभी फिर से पानी अंदर आता है अब हीरो खुश होकर पानी पीता है तो इस बार खारा पानी होता है यह समुद्र का पानी है जो डैमेज वाली जगह से बोर्ड के अंदर आ रहा है अब हीरो का गुस्सा कम होता है और उसे डर जकड़ लेता है क्योंकि बोर्ड के अंदर पानी भर गया तो हीरो को इस बाथरूम में ही कर मरना पड़ेगा पर हीरो हिम्मत ही नहीं हारना चाहता और वहां रुके एक छोटे ग्लास से पानी को निकालकर होल से बाहर फेंकने लगता है वैसे हीरो का ये नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए वीडियो को तभी अंधेरा छा जाता है और हम देखते हैं कि समुद्र में एक खतरनाक तूफान का जन्म हुआ है और बोट उसी तूफान के बीच जा रही है बहुत तेज हवा चलती है और बोट भी पानी से भर रही होती है पाल भी खुला है तो हवा में वो हर तरफ पीटने लगता है और बोट बुरी तरह से हिल रही होती है इसी बीच हीरो को बहुत सारी चोटें भी आती है लेकिन इस अफरा तफरी के बीच भी हीरो आंखें बंद करके एक सेकंड सोचता है और उसको एक ब्रिलियंट आइडिया आता है वो बाथरूम के कवर से शेविंग ब्लेड निकालता है और उस होल से हाथ बाहर निकालकर पाल की रस्सी को काटने लगता है लेकिन रस्सी बहुत मोटी होती है और ब्लेड बहुत छोटा ऊपर से बोट भी बहुत बुरी तरह हिल रही होती है फिर भी कई घंटों तक कोशिश करने के बाद आखिर हीरो उन रस्सियों को काटने में सफल हो जाता है लेकिन उसकी उंगलियां बुरी तरह छिल जाती है यहाँ मुझे लगा की मौत सर पर क्यों ना हो लेकिन जब जीने की चाहटल होती है तो इंसान कभी हिम्मत नहीं हारता खैर रस्सी काटने के बाद पाल तोड़कर गिर जाते हैं और अब बोट का हिलना कम हो जाता है इस खतरनाक रात का भी अंत होना ही था और सुबह होते होते तूफान ढल चुका था लेकिन अब बोर्ड के अंदर भी पानी भर जाता है और हीरो के गले तक पानी आ गया है उसका पूरा शरीर खारे पानी में फंसा हुआ है हीरो को बहुत जलन और दर्द महसूस होता है लेकिन हीरो अब भी उसी दरवाजे को खोलने के लिए लात मारने लगता है तभी लॉक के खुलने की आवाज आती है हीरो नॉब खोलता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि बाहर भी पानी भरा पड़ा है वो अपनी बची कुछ एनर्जी को पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए दरवाजे को लात मार कर खोल देता है और बाहर आता है उसे लगता है कि इतना सारा पानी भर जाने के बाद अब ये बोट डूब जाएगी इसलिए इससे बच निकलने के लिए वो बाथरूम का टूटा हुआ दरवाजा निकालता है और बोट में पड़ी कुछ चीजों से एक छोटी बोट बनाता है हीरो नहीं जानता की तट यहाँ से कितनी दूर है इसलिए वो एक लंबे सफर के लिए खाना पानी सब उसी बोर्ड से निकाल लेता है फिर उस छोटे बोट पर चढ़कर वो व्हाइट बोर्ड से दूर जाने लगता है कुछ दूर जाकर वो व्हाइट बोर्ड को देखता है तो पता चलता है कि पानी के भरने के बाद वो बोर्ड डूब नहीं रही है हीरो फैसला करता है कि इस छोटे से बोट पर समुद्र में इतनी दूर सफर करने से तो अच्छा होगा कि मैं उस बड़े पर जाकर उसे ठीक करने की कोशिश करूँ तभी मैं तट पर जाकर पहुंच पाऊंगा मेरे डर की वजह से मुझे उस बोट में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे शायद आवाजें सुनाई दे रही थी लेकिन कल रात के तूफान में अगर ये बड़ा बोट ना होता तो शायद ही मैं जिंदा बच पाता हाँ मैं बेवकूफों की तरह इस छोटी के टुकड़े को लेकर पता नहीं कहां जा रहा था इस भी सोच के साथ वो फिर उस व्हाइट बोर्ड पर चढ़ जाता है उस बोर्ड के छोटे छोटे डैमेजेस को वो खुद ही ठीक करने लगता है अब बिना डर के वो कैबिन को छान मारता है तो उसको एक बैटरी और एक मोटर मिलते हैं दोनों को कनेक्ट करके वो बोर्ड का सारा पानी बाहर निकाल लेता है उसके बाद फिर कम्युनिकेशन डिवाइस वगैरह उन पर मैसेज भेजने की कोशिश करता है अगर हीरो को तट तक पहुंचना है तो इस बोर्ड को किसी तरह चालू करना ही होगा वो पाल को फिर से बांधने के लिए ऊपर चढ़ता है तो देखता है की दूर एक क्रूज शिप खड़ा है हीरो खुश होता है की अब वो बच पाएगा वो अपना बनाए हुए छोटे बोर्ड को लेकर उस क्रूज शिप की ओर निकल पड़ता है वह आधा रास्ता पार कर चुका था तभी वो क्रूज शिप जो इतनी दूर से वहीं पर खड़ा था वो अब जाने लगता है अपनी फूटी किस्मत को कोस कर हीरो अपना की कोशिश करता है लेकिन वो पानी में भीग कर बेकार हो चुका था नहीं नहीं मैं हिम्मत नहीं हारूंगा कैसे भी करके उस क्रूज शिप तक पहुँचना ही होगा ये कहते कहते हीरो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस शिप की ओर जाने लग जाता है लेकिन तब वाइट बोट अपना असली रूप दिखाती है उसमें ना तो इंजन काम करता है ना उसका पाल खुला है लेकिन फिर भी वो खतरनाक बोट तेजी से हीरो की ओर आकर उसे टक्कर मारने वाली है लेकिन एन वक्त पर हीरो उसको देख कर पानी में कूद पड़ता है लगता है व्हाइट बोर्ड हीरो को कहीं जाने नहीं देगा और हीरो के चारों ओर ही घूमने लग जाता है लेकिन हीरो ने भी कसम खा ली थी कि आप पानी में डूबकर जान ही क्यों ना चले जाए पर मैं इस व्हाइट बोर्ड पर तो क्या जिंदगी भर किसी वाइट बोर्ड पर नहीं चढ़ूंगा ये सोचकर हीरो ठंडे पानी में तैर रहा होता है तभी अचानक उसके शरीर में घिसते हुए दो बड़े फिशारे होते हैं हीरो एकदम घबरा जाता है कि कहीं ये शार्क तो नहीं लेकिन तब उससे पता चलता है कि ये शार्क यह खतरनाक वेल नहीं बल्कि डॉल्फिन्स हैं, जो ज्यादातर फ्रेंडली क्रिएचर्स माने जाते हैं। तब जाकर की जान में जान में आती है और वो उनके साथ खेलने भी लगता है लेकिन अचानक सारे डॉल्फिन्स वहां से दूर चले जाते हैं मानो किसी बड़े शिप के डर से वो दूर जा रहे हो पर असल में वे फिश से नहीं बल्कि इस खतरनाक बोट से डर भाग रहे थे और तभी वो बोट हीरो के पास आ जाती है और ऐसा लगता है कि वो हीरो को बुला रही हो पानी अब बर्फ की तरह ठंडा हो चुका है और हीरो के पास उस बोर्ड पर चढ़ने के अलावा सरवाइव करने का कोई और रास्ता नहीं होता वो बेचारा डरा सहमा फिर उसी बोर्ड पर चढ़ जाता है और केवन में पड़ा हुआ खम्बल ओड कर वही लेट जाता है अगली सुबह जब आँख खुलती है तो वो केवन का दरवाजा खोलने जाता है लेकिन वही होता है जिसका उसे डर था केवन का दरवाजा लॉक है अब हमने जाने कितनी देर यहाँ कैद रहना पड़ेगा ये सोचकर हीरो बाथरूम में जाता है जहाँ का दरवाजा वो पहले ही तोड़ चुका है वहाँ वो एक सीक्रेट डोर देखता है हीरो कई घंटे इस बाथरूम में बंद था लेकिन तब उसका ध्यान इस डोर पर नहीं गया हीरो किसी तरह उस डोर को खोलता है तो वहाँ एक आदमी के रहने के लिए एक सीक्रेट जगह होती है इतना ही नहीं अंदर कपड़े रस्सी चाकू और खाना भी होता है तो क्या सच में यहाँ कोई साइको रहता है और वही मुझे कटपुतली की तरह नचा रहा है इस तरह के कई सवाल मन में लाकर हीरो अंदर घुसता है और टिंट फूड आइटम उठा रहा होता है कि इस छोटी जगह का डोर भी लॉक हो जाता है अब हीरो को जैसे इस जाल में फंसने और यहाँ से निकलने की आदत पड़ चुकी थी वो जानता है कि वो लॉक फंस जाए लेकिन अपनी कोशिश से वो बाहर जरूर निकल पाएगा वो नोटिस करता है की बोट अब तेजी से कहीं पर जा रही है हीरो वहां के ग्लास विंडो पर पीटने लगता है और तब वो देखता है की बोट तट के पास पहुँच चुका है हीरो बेबस होकर चिल्लाता है की प्लीज अपना टॉर्चर बंद करो और मुझे जाने दो और तब वो घटना घटती है जो हीरो नहीं बल्कि हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था व्हाइट बोर्ड ठीक तट पर जाकर रुकती है और तभी बोट के सारे डोर्स अपने आप खुल जाते हैं अब हीरो सीक्रेट जगह से बाहर निकलकर फिर उस बोट में हर तरफ देखता है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि इस बोट पर कोई ना कोई तो जरूर है जो छुपकर उसको टॉर्चर कर रहा था लेकिन बोट में उसके अलावा कोई नहीं होता क्योंकि ये डोर फिर से लॉक ना हो जाए इस डर के साथ हीरो धीरे से बाहर निकलता है अब उसके चेहरे पर गुस्सा आता है और वो वहाँ उस इंसान को ढूंढता है जो बोर्ड के अंदर उसे इस कदर टॉर्चर कर रहा था लेकिन तब वो ये देखकर चौंक जाता है कि वो वाइट बोर्ड अब तट से निकल रही है और वो भी हवा में बह नहीं रही बल्कि एकदम परफेक्टली मुड़कर समुद्र की ओर जा रही है मानो उसे कोई चला रहा हो हीरो के अंदर गुस्सा और डर दोनों ही घर बना चुके थे तभी वो छोटी बोट वहां पर आती है जिस पर हीरो से निकला था जो बीच समुद्र में गायब हो गई थी मतलब व्हाइट बोर्ड पर कोई साइको नहीं था बल्कि शायद बोर्ड खुद ही एक साइको कैरेक्टर है जो हीरो के साथ मौत का खेल खेल रहा था तभी वहां पानी के बीच एक गुफा जैसी कुछ चीज दिखती है गुफा के बीच एक गैप दिखता है जिसके उस तरफ वही व्हाइट बोर्ड खड़ी हीरो को देख रही होती है और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी खत्म होती रुकी है अब आप पूछेंगे दोस्तों ये क्या बात हुई साइको कैसे हुआ अगर वो मौत का खेल खेल रहा था तो उसने हीरो को जिंदा लेकर तट पर क्यों छोड़ दिया वगैरह वगैरह आपके सवाल हो सकते हैं वैसे हर चीज का कारण नहीं होता परंतु कारण की बात करना तो बेकार है कारण हर चीज का कुछ ना कुछ होता है हालांकि ये जरूरी नहीं कि जो कारण दिया जाए वास्तविक कारण वही हो इसलिए मुझे लगा कि शायद इस बोट में कोई खराबी थी जो हीरो के साथ हुआ वो सब एक को था या फिर ये कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट बोर्ड है जो ऐसे खतरनाक गेम के लिए ही बनाई गई है या फिर ये भी कह सकते हैं कि इस बोर्ड पर किसी साइको की आत्मा है जो अपने विक्टिम को इस कदर टॉर्चर करती है कि कि मर जाए जैसा बाथरूम के पर के पर खून दाग थे शायद हीरो से पहले भी कोई उस पर फंसा था लेकिन उसने हीरो की तरह कोशिश नहीं की और उस साइको आत्मा का वो शिकार हो गया लेकिन हीरो की अटल कोशिश और किसी भी सिचुएशन में हार न मानने वाला उसका एटीट्यूड उस, उस शक्ति को बहुत इंप्रेस कर गया और फिर वो शक्ति उसे तटपट छोड़ गई की बेटा जा इस बार छोड़ दिया अगले बार खुद आकर फंसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा